मैं 21 साल की थी तो एक शादी अटेंड करने गई थी राकेश रोशन जी वहाँ पे थे और इमीजिएटली उन्होंने कहा मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ कहो ना प्यार है और तब सोनिया पैदा हो गई उसके बाद ऑब्वियसली मुझे और भी काम मिलने लगा लेकिन फिर एक हादसा हुआ मेरे साथ आई वॉज वेरी डिप्रेस काम निकलने लगा मेरे हाथ से मेरा डिवोर्स भी हो गया उसके बाद आई सैडिनो तनाज एक बार फिर से तुम अकेली हो यू you नो know, लोग कहते हैं कि के जिंदगी ना मिलेगी दोबारा एक ही जिंदगी होती है एक ही पैशन होता है और फुल ज़ील, ज़ेस्ट और सभी के साथ आपको वो जिंदगी जीनी है लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ मैं वो खुश किस्मत इंसान हूं हो जिन जिन्होंने जिंदगी दो बारी जीती है और दो बारी जी है यस आई वॉन्ट टू शेयर माई स्टोरी विथ यू बिकॉज इट्स हाईली इम्प्रेसिव एंड इवन मैं ही खुद कभी कभार सोचती हूँ कि यार ये मेरी जिंदगी थी क्या आप हमेशा सोचते हो कि ओ माय गॉड ये जिंदगी जो मुझे मिली है वो बिल्कुल बकवास है मेरी तरह मतलब जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वो बिल्कुल होता नहीं है मैं कौन से परिवार में मैंने जन्म लिया है यू नो अक्सर हम लोग ये नेगेटिव सेल्फ टॉक करते रहते हैं वे लेट मी टेल यू अगर आप इनमें से एक हो तो मेरी स्टोरी प्लीज एंड तक सुनिए बिकॉज आपको ये स्टोरी बहुत प्रभावित करेगी और आपको सही मार्ग पे लेके जाएगी अगर आप मुझे नहीं जानते तो लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम तनाज और पिछले तीस साल से मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करती आ रही हूँ राइट right? लेकिन मैंने कैसे ये सब किया आई ऑल्सो डोंट नो ये मेरा जो लव अफेयर था एक्ट्रेस uh, बनने का वो जब मैं आठ साल की थी तब से शुरू हुई थी और तब तो हमारे पास एक ही चैनल हुआ करता था दूरदर्शन हाँ बचपन में हमारा एक ही चैनल था और एक ही संडे को हमें एक पिक्चर दिखाई जाती थी तब तो मुझे लगा था कि मैं श्रीदेवी बन जाऊं मैं रेखा जी बन जाऊं कैसे बनूंगी कौन मेरी मदद करेगा वो मैं नहीं जानती थी क्योंकि मैं बात किसके साथ करती मैं एक टिपिकल पारसी फैमिली से बिलोंग करती थी ना ही हम हिंदी बात करते थे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बॉलीवुड वो क्या होता है साथ बात मैं बिल्कुल अकेला करती थी. और फिर एक दिन एक मेरे अंकल आए थे फ्रॉम लंडन एंड ही प्रेजेंटेड मी अ डायरी एक छोटी सी डायरी थी जिसके ऊपर एक लॉक था मैं पूरे आठ साल की थी और मुझे ये बहुत अच्छा लगा मैंने कहा वाओ आज से ये मेरी बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा ये डायरी और उस डायरी में मैंने सब कुछ लिखा मेरी ख्वाहिशें मेरे सपने मैं कैसे कुछ सालों बाद मैं कहां पे खड़ी हूँ बड़े पर्दे पे मैं काम कर रही हूँ मैं बहुत ही फेमस मशहूर हो गई हूँ और सब मेरा ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ ले रहे हैं ऑटोग्राफ इसलिए क्योंकि उस जमाने में सेलफोन नहीं था तो ऑब्वियसली सेल्फीज भी नहीं थे राइट right? सो so, मैं और मेरी डायरी अकेले अकेले हम अक्सर बातें करते थे लेकिन आज के ज़माने में उसे क्या कहते हम उसे जर्नलिंग के नाम दिया है ना हमने उसे और और उठते जागते खाते पीते मैं बस ये विजुलाइज़ करती रहती थी कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ मैं अच्छे अच्छे डिज़ाइनर कपड़े पहनती हूँ और मैं बड़े पर्दे भी हूँ एंड आई एम रियली फेमस और आज हमने उसे क्या नाम दिया है विजुअलाइजेशन मैनिफेस्टेशन सो मैं वो ऑक्सफोर्ड uh, स्कूल की वो वो चूहा हूं मैं जो कहते हैं ना इस चूहे पे हमने पिछले तीस साल से ये ये काम किया है और तीस साल के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि मैनिफेस्टेशन विजुअलाइजेशन एंड जर्नलिंग रियली वर्क्स यस yes. मैं जीती जागती वो एग्जाम्पल हूं आपके लिए कि ये सारी चीजें काम करता है क्योंकि जब मैं 21 की बन गई तब मुझे एक प्लेट पे मेरी पूरी जो ये इंडस्ट्री में जो जितना भी काम मुझे मिला है मुझे बस ऐसे ही पेश किया गया इट वॉज दैट सिंपल आपको बस जो आप चाहते हैं जैसे एस आर के जी कहते हैं द ग्रेट शाहरुख खान जब आप कोई भी चीज पूरी शिद्दत से चाहते हो जैसे मैं चाहती थी पूरी कायनात जुट जाती है द यूनिवर्स जस्ट गोज राउंड टू गिव इट टू यू एंड इट रियली डिड फॉर मी मैं 21 साल की थी मेरी शादी हो गई थी मेरी बेटी भी पैदा हो गई थी जियान एंड तब मैंने सबसे पहला मेरा सीरियल साइन किया जबान संभाल के वेरी फेमस सीरियल क्लासिक सीरियल एंड ऑफ़ कोर्स आज तक लोग उसके बारे में बात करते हैं जिक्र करते हैं मैंने कुछ भी नहीं किया नो फोटो सेशन कौन मुझे मदद करेगा कैसे मुझे मिलेगा मुझे हिंदी भी नहीं आती थी और वो सीरियल बिल्कुल वैसा ही था वो लड़की को हिंदी नहीं आती थी उसके बाद ऑब्वियसली मुझे और भी काम मिलने लगा टेलीविजन आई गॉट वर्क ऑल द टाइम उसके बाद में एक शादी अटेंड करने गई थी एंड uh, राकेश रोशन जी वहाँ पे थे और उन्होंने मुझे देख लिया और पूछा कि दिया uh, uh, आप हिंदी फिल्म्स में काम क्यों नहीं करते मैंने जवाब दिया क्योंकि किसी ने मुझे ऑफर नहीं किया सर वो इतने शॉक्ड हो गए कि एक पारसी बाबी ही ऐसा आंसर दे सकती है कि <laughs> इतना स्वीटली कि आज तक मुझे किसी ने ऑफर नहीं किया ही वॉज वेरी इंप्रेस्ड और इमीजिएटली उन्होंने कहा मैं एक पिक्चर बना रहा हूं कहो ना प्यार है और तब सोनिया पैदा हो गई और वो सोनिया जिस तरह से मैंने कहा इट वॉज टोटली माई डूइंग क्योंकि जब मैं रीडिंग के लिए गई थी और मैंने सोनिया कहा तो सब लोग मुझे करेक्ट करने आए थे और तब राकेश रोशन जी ने कहा कि नो डोंट करेक्ट हर और आज तक तकरीबन तीस साल बाद आज तक भी लोग मुझे हाय सोनिया सोनिया कैन यू यू आज कहते हैं नो फ्रेंड्स लाइफ इतनी सिंपल है जो भी आप चाहते हो ना वही होता है प्रॉब्लम यह है कि आजकल की दुनिया में सोशल नेटवर्किंग एंड इंस्टाग्राम ये सब कुछ इतना हमारे मन को करप्ट करने लगा है कि जो आप चाहते हो ना फिर आप सेल्फ डाउट में घुस जाते हो फिर आप कंपेयर करना चाहते हो ये यार ये यहाँ पे गया है वो यहाँ पे गया है ये इतना सारा काम करता है मैं क्या कर रही हूं मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूं ये सारी चीजें हमारे हार्ड डिस्क को करप्ट कर लेता है इसीलिए ज्यादातर आज का लोग मैनिफेस्टेशन को इंस्टेंट ग्रैटिट्यूड में मान जाते हैं कि अरे यार मैं तो दस दिन से ये सोच रही हूं लेकिन मेरा तो कुछ नहीं हुआ दस दिन नहीं लगते आपकी पूरी पूरी मतलब आ, फीलिंग्स उसमें होनी चाहिए आपको उसमें विश्वास करना है आपको सरेंडर करना है द रियल थिंग इज यू नीड टू सरेंडर और फिर मैं जीती गई ये ब्यूटिफुल लाइफ जहाँ पे मैं एक एक्ट्रेस थी मेरा डिवोर्स भी हो गया मैंने दोबारा शादी कर ली मेरे आज तीन बच्चे हैं हम लोग बहुत खुश है लेकिन फिर एक हादसा हुआ मेरे साथ और यहाँ पे मेरा लाइफ 2.0 शुरू होता है वो बबली चुलबुली लड़की जो हमेशा खुश थी शी वॉज ऑलवेज द कमेडियन सब लोग मुझे इसी तरह जानते थे ना लेकिन वो बिल्कुल बदल गई बिकॉज एक एक्सीडेंट के बाद मैं बिल्कुल बदल गई इनफैक्ट मैं इतनी बदल गई कि मैं खुद को पहचान ना पाई uh, मुझ में सेल्फ डाउट होने लगा आई वॉज जस्ट इन अ वेरी अनरिसोसफुल मोड मतलब वो सारी जो नेगेटिव फीलिंग्स होती है वो मुझ में घुस गया था और क्यों क्योंकि एक एक ऐसा दर्द होने लगा मेरे लेफ्ट लेग में हिप में जिसकी वजह से मैं चल ही नहीं पा रही थी और कैन यू इमेजिन एक एक्ट्रेस हमेशा हमारे लुक्स हमारी कॉलिंग कार्ड होती है राइट वी हैव टू लुक गुड वी हैव टू हैव गुड बॉडी और ये सारी चीजें मेरे हाथ से निकल गई और मुझे लगा कि यार इतने साल तक ये जो सपना था मेरा वो क्या इस तरह खत्म होने वाला है मतलब मैं चल ही नहीं पा रही हूँ लकड़ी के बिना मैं चल ही नहीं पा रही थी और ये बातें मैं किसके साथ शेयर करूँ मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी इनफैक्ट मैं इतनी नेगेटिव हो गई थी कि मैं ये बात किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती थी काम निकलने लगा मेरे हाथ से बिकॉज ऑब्वियसली यू नो जिस तरह से आप वाइब्रेट करते हो हर चीज़ में एक वाइब्रेशन होती है और वो जो वाइब्रेट करता है वो सामने वाला वो फ्रीक्वेंसी पकड़ लेता है इसलिए हम हमेशा कहते ना कि जब ये इंसान अंदर आता है वह उसकी वाइब्स कितनी अच्छी है या दूसरा इंसान आ जाता है और हम कहते कि यार इसकी वाइब्स अच्छी नहीं तो वो वाइब्स क्या है इट्स जस्ट वाइब्रेशन इट कम्स फ्रॉम विद इन यू और मेरी वाइब्स बहुत बुरी हो गई थी आई जस्ट क्व इमेजिन कि ये तनाज के साथ हो रहा है मैंने ये सारी चीज़ें अलाउ की है लेकिन आई हेल्प इट आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड बिकॉज एवरी थिंग एवरी थिंग वॉन्टेड इन माई लाइफ जस्ट टू बी एन एक्ट्रेस मुझे बस ये ही काम चाहिए था मैं बहुत ये कर रही थी मैं बहुत ही हम्बल थी और मुझे ये सारी बातें इंस्टाग्राम पे शेयर नहीं करना चाहिए था आई डोंट वॉन्ट टू डू इट है मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे पिटी करे या हमदर्दी जताए एट द मोस्ट वो क्या कहेगा कि प्लीज गेट वेल सून लेकिन कैसे मैं सारे डॉक्टर्स को बताने गई थी ये प्रॉब्लम है कोई भी डॉक्टर मुझे हेल्प नहीं कर सका बहुत सारे एम आर आई सी टी स्कैन बॉडी डेंसिटी टेस्ट ब्लड टेस्ट सब कुछ मैंने कर लिया लेकिन कोई भी डॉक्टर नहीं था जो मुझे हेल्प कर सके उसके बाद आई नो तनाज एक बार फिर से तुम अकेली हो और इस बार तुम्हें एक सपना नहीं चाहिए तुम्हें एक सल्यूशन चाहिए किसके साथ बात करोगे बच्चे तो मेरे बहुत छोटे हैं हाँ हमारे प्रॉब्लम्स uh, के बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन कितनी बार एक बार आपका फ्रेंड सुनेगा एक बार आपका पति भी सुनेगा लेकिन बार बार आप अपने प्रॉब्लम्स के बारे में किसी को नहीं बता सकते एंड आई वॉज ग्रोइंग मोर एंड मोर डिप्रेस्ड एंड ऑफकोर्स मैं चाहती थी कि मैं इस डिप्रेशन से बाहर आऊँ तब आई डोंट नो हाउ लेकिन जब एक दिन मैं इंस्टाग्राम पे थी बिल्कुल अकेली थी घर में एक मुझे एक एड दिखा एन एल पी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग मैंने कहा ओ यार मुझे इसमें दिलचस्पी थी लेकिन उस बार अ, मेरे पास टाइम नहीं था लेकिन अब तो मेरे पास टाइम ही टाइम है तो मैंने वो कोर्स ज्वाइन किया न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग टू एक्सप्लेन इट वेरी क्लियरली न्यूरो मतलब जो भी आपके माइंड के साथ एसोसिएटेड है न्यूरो ब्रेन लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज जो आप लैंग्वेज यूज करते हो कम्युनिकेट करने के लिए और वो भी लैंग्वेज जो आपका ब्रेन आपको कहता है आपका ब्रेन आपको दिल को कहता है एंड प्रोग्रामिंग है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आप देते हो और वही आपको मतलब जैसे हम प्रोग्राम करते हैं कंप्यूटर को और वही आपको रिजल्ट मिलेगा न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के थ्रू दो दिन का कोर्स था मुझे इतना अच्छा लगा इतना शिफ्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई थी मेरी खुद की लाइफ में कि मैंने वो लॉन्ग कोर्स जॉइन किया एक साल तक मैं वो सीखती गई मैंने कहा ये इतनी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि मुझे इसे बाकी लोगों के साथ शेयर करना ही चाहिए और ये सिस्टम मैंने सीख लिया मैं कोच बन गई ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और इस दौरान जब ये सब कुछ हो रहा था बिकॉज माई फ्रीक्वेंसी है चेंज मुझे इसी दौरान मुझे दो बहुत ही बड़े सीरियल्स मिले मैं सेम थी मेरा दर्द सेम था मेरे पैर में जो चोट था वो सेम था लेकिन मेरे वाइब्रेशंस चेंज हो गए थे और ये सब कुछ बिकॉज ऑफ एनएलपी एल न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एंड दैट्स वन आई थॉट कि यस ये मेरी दूसरी जिंदगी पैदा हो रही है अब मैं एक एक्ट्रेस भी हूँ और अब मैं एक कोच भी होने लगी हूँ मैं दिल्ली गई थी ऑन अ व्हील चेयर क्योंकि वहाँ पे हमारा कॉन्वकेशन था मैं लंगड़ाते लंगड़ाते स्टेज पे गई लेकिन इस बार स्माइल के साथ और कोई शर्मिंदगी के साथ नहीं सबके साथ भरी सभा में हम लोग आई थिंक 180 एंड स्टूडेंट्स थे मैं उनमें से एक एक्ट्रेस थी फेमस थी इनफैक्ट सभी लोग मुझे देख रहे थे कि आप इसमें क्यों आ गए आप तो मशहूर है आप तो एक एक्ट्रेस है लेकिन मुझे कहीं ना कहीं दिल में ऐसा लगा कि नहीं तनाज ये तुम्हारी दूसरी जिंदगी शुरू हो रही है और जितना आपने पब्लिक की सेवा की उन्हें हंसाने में अब टाइम आ गया उन्हें समझने में एंड एन एक्ट्रेस कैन डू दिस बिकॉज वी प्ले सो मैनी रोल्स मैं इतने सारे रोल्स प्ले कर चुकी हूँ लेकिन अब ये मेरा सही रोल था आई नीड टू गाइड द पीपल और वो लोग कहते ना कि जब आप फेमस हो मशहूर हो तब आपको वो एंट्री मिलती है दरवाजे में थोड़ा ज्यादा यू नो लाइक यू गेट एन एंट्री मच फास्टर और यही मेरा यू है और इसी के थ्रू मैं लोगों को मदद करना चाहती हूँ अब आज के बाद मैं डेफिनेटली आपको हंसाऊंगी लेकिन अब मैंने अपने अपना खुद का कंपनी लॉन्च किया है जहाँ पे मैं हेड कोच हूँ एंड इसी दौरान जब मेरे पैर में दर्द था मैंने एक बुक भी लिखा इफ़ आई कैन सो कैन यू और मैंने वो सारी चीज़ें वो बुक में लिखी है अफकोर्स इन माई टिपिकल फ्लेयर ऑफ लिटिल बिट ऑफ कॉमेडी एंड मैंने बस अपने आप को चेंज होते हुए देखा एक और बार एक और बात उसके बाद जिस तरह से मैं वाइब्रेट कर रही थी एक सही डॉक्टर मेरी जिंदगी में आया और उस डॉक्टर ने मुझे बताया कि तनाज ऑपरेशन के बिना आ, शायद आप कभी नहीं चल पाओगे वो आप पैरालाइज हो जाओगे थैंक्स टू दिस डॉक्टर द यूनिवर्स सेंट मी द करेक्ट डॉक्टर एंड आई हैड दी ऑपरेशन इन नवम्बर हाल ही में मैंने uh, मैं वो ऑपरेशन के थ्रू uh, गई ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल एवरीथिंग वॉज गुड जब ऑपरेशन खत्म हो गया और नेक्स्ट डे नर्स मुझे उठाकर चलाने लगी क्योंकि आजकल साइंस चाहता है कि आप इमीजिएटली चलने लगो तब मुझे पता चला कि मेरा एक पैर दूसरे पैर से छोटा हो गया बिकॉज ऑफ देशन लेकिन इस बार मैं डिप्रेस नहीं थी आई डेंट फील सैड फॉर माई सेल्फ मैं ना रोई ना मैं चीखी ना मैं चिल्लाई इनफैक्ट सभी लोगों ने यह नोटिस किया आप इतनी बड़ी you know, मशहूर एक्ट्रेस है लेकिन आप बहुत ही कूल बहुत ही स्वीट लेडी है आपने तो कुछ नहीं कहा ऐसा नहीं जो हुआ है सो हुआ है लेट्स मूव अ हैड मैं क्या कर सकती हूँ ठीक है मैं सारे अपने जूते में इनसोज लगा सकती हूँ मैं फिजियोथेरेपी कर सकती हूँ हो सकता है वो लेस होता जाए एंड टुडे आई कैन से कुछ वक्त के uh, बाद uh, मेरे हस्बैंड ने मुझे बिकॉज वो देखता है कि मैं बहुत सारा यू नो स्ट्रगल करती हूँ मैं फिजियोथेरेपी के लिए जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एक छोटा सा रील भेजा कि आपको पता है ब्रूसली फेमस कुफू एक्सपर्ट का एक पैर दूसरे पैर से छोटा था और वो इतने मकाम पे पहुंच गए तो तनाज तुम कुछ भी नहीं हो तुम सब कुछ कर सकती हो जस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू जब भी, भी आपके साथ या आपके फैमिली मेंबर्स के साथ या आपके फ्रेंड्स के साथ कुछ भी बुरा हो जस्ट रिमेंबर विद्मा और पूरे मतलब कामली एंड जस्ट वेरी वेरी कॉन्फिडेंटली से ये मेरे लिए दिया गया है ताकि मैं सीखू और ऐसा कभी मत के ना ये मेरी जिंदगी क्या है बोलो ये मेरी जिंदगी क्या है थैंक यू सो मच फॉर बींग अ पार्ट ऑफ माई टॉक टूडे आई रियली होप दैट योर लाइफ इज सुपर डूपर थैंक यू